अरे बेटा चल दिया? हाँ पिताजी। बेटा मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। बात करनी है? बताओ क्या बात करनी है। तेरे पास 5,000 रुपये हैं? 5,000 रुपये? हाँ पिताजी हैं, बताओ कब चाहिए। बेटा अभी हो तो अभी दे दे। वो क्या है ना, मैं तेरे शादी पे पैसे उधार लिए थे किसी से और उसका आज देने का समय आ गया। वो इससे पहले घर पे आए मैं उसे दे दूँ, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना बेटा, कोई तका दिया घर पे आके टोके। पिताजी पैसे ना मेरे बैंक में पड़े हैं, तो अगर मैं शाम को जब ऑफिस से आऊँ तो जब लेके तो मैं दे दूँ, कोई दिक्कत तुम्हें? ठीक है बेटा, पर ध्यान से ले आइयो। ठीक है पिताजी, मैं ले आऊँगा ध्यान से। अब मैं जाऊँ? ठीक है बेटा तू जा। सीलो, और सुना क्या हाल है? बस भाई बढ़िया, तुम सुनाओ। अब तू भी मेरे घर के बाहर आके आवाज मारेगा, अंदर आ चल। अरे भाई मैं अंदर ना रहा, मुझे ना तुमसे कुछ काम है। काम है बता। अरे भाई मुझे ना 5,000 रुपये चाहिए। पैसे तो आएंगे पर कब तक दे देगा वापस? मैं ना भाई तुम्हें 5 तारीख तक दे दूंगा। दे देगा ना 5 तारीख तक? हाँ भाई दे दूंगा पक्का। चल ठीक है लाता हूँ मैं। पिताजी आ गए बेटा। लो पूरे 5,000 हैं। ठीक है बेटा। ठीक है। हेलो। हाँ बेटा कैसा है तू? अच्छा आ गया तू? आ गया वहाँ पे? ठीक है, आ रहा हूँ मैं अभी, आ रहा हूँ अभी। ठीक है आता हूँ। ये किससे बात कर रहा था बुड्ढा? मानो या ना मानो इसके कुछ तो लोचा है, पता लगाना पड़ेगा। पुष्कर आया चाची। हाँ चाची। कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं बस घेर में जा रहा था। अच्छा पिताजी ना बाहर भाग भाग के गए हैं, एक बार ही देख के आओगे कि कहाँ गए हैं? अभी देख के आता हूँ। बेटा। पापा। पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। ले मैं ले आऊँ जो तूने मंगाए 5,000 रुपये। धन्यवाद पापा, तुमने मेरी मदद करी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बहू ठीक है? हाँ पापा ठीक है। वो ठीक है पापा, मैं चलता हूँ, कोई तुम्हें देख ले मेरे ठीक, साथ। ठीक है पापा नमस्ते। नमस्ते। चाची एक बात बतानी है तुम्हें, वो चाचा ना ठीक है तुम जाओ। अच्छा तो हमारे पीठ पीछे खंजर घोपा जा रहा है, कोई बात नहीं आज इन्हें घर आने दो फिर बताती हूँ। बेटा गिलास पानी ला दियो, बहुत प्यास लग रही है। अच्छा तो आ गए तुम, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी। और क्या एक गिलास पानी दे दूं, जहर दे दूं? वो क्या बकवास कर रही है? अच्छा तो अब मैं बकवास कर रही हूँ? आओ तुम्हारा ही तो वेट कर रही थी, पता भी है तुम्हारे पिताजी ने क्या किया है? क्या मतलब? खुद ही पूछ लो इनसे। पिताजी क्या कह रही है सिमरन, कुछ किया है क्या तुमने? बेटा मैंने तो कुछ भी ना बोला, पता ना बहू मेरे से ऐसे कैसे बात कर रही है। ऐसे ना बोलू तो कैसे बोलू, काम ही ऐसा किया है तुमने? बेटा एक बार बता तो सही मैंने करा क्या है। हाँ हाँ तुम क्यों बताओगे अपनी गलती, मैं ही बता देती हूँ। प्रदीप तुम्हें पता भी है जो 5,000 रुपये इन्होंने तुमसे लिए थे ना वो किसको दिए हैं? हाँ बता तो रहे थे, किसी से इन्होंने पैसे उधार लिए थे उसको दिए हैं। नहीं इन्होंने किसी को भी पैसे वापस नहीं किए, वो पैसे इन्होंने तुम्हारे बड़े भाई को दे दिए। क्या पिताजी ये तुमने अच्छा ना किया, जो मेरे बुरे वक्त में हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ तुम उसे पैसे दे आए, और वो भी मुझसे बिगर पूछे। पिताजी तुमने अच्छा नहीं किया। बेटा मगर वो तेरा बड़ा भाई है और भाई से क्या दुश्मनी? बस पिताजी वो मेरा कोई भाई नहीं है, जो हमारे बुरे वक्त में हमें अकेला छोड़ कर चला गया वो कहाँ का भाई रह गया। और पिताजी वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता जो वो हम दोनों को अकेला छोड़ कर चला गया था। इन रोज रोज के कलेजों से बढ़िया है आज ही पत्ता काट दूं मैं। पापा मैं घर छोड़ कर जा रहा हूं मैं। बेटा क्या हुआ ऐसा, क्या क्यों कर रहा तू? मैं रोज रोज के कलेजों से ना परेशान आ चुका हूं घर में, और हाँ मैंने ना एक लड़की पसंद कर ली है बाहर, उसके साथ शादी करूंगा
और अपनी बढ़िया सी लाइफ सेटल करूंगा। बेटा ऐसा मत कर, कम से कम मेरे बारे में, अपने छोटे भैया के बारे में सोच, उसकी शादी कैसे होगी। अरे मैंने ठेका लिया है क्या उसका, क्यों सोच उसके बारे में, अपनी जिंदगी ना देखूं। और हाँ, मेरा दिमाग खराब मत कर बुड्ढे, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। मेरी बात तो सुन रुक सही शिवम। भूल गई पिताजी उन बातों को, क्यों कैसे अकेला छोड़ के चला गया था हमको? नहीं भूले बेटा मैं उन बातों को, पर मैं एक बाप हूँ ना, मुझे सोचना पड़ता अपने औलाद के बारे में, और एक बाप अपने बेटे को ना मुसीबत में बिल्कुल ना देख सकता। नहीं देख सकते तो झेलो। आ भैया सिमरन। नहीं देख सकते तो झेलो। मेरी बात तो सुन।